वेलकम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल कोठियाल फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिक इंजीनियरिंग। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर पर हम लोगों ने पढ़ा था ट्रसेस, ठीक है ना। कई बच्चों को डाउट था कि ट्रसेस हमारे आरआरबी जेई के कोर्स में है या नहीं है। बच्चों, कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि आप लोग कुछ टॉपिक को लेके चलिएगा कि कहीं पर भी आपको पूरी एग्जैक्टली जो सिलेबस आपको दिया है वो आपको फॉलो करना ही है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं किसी भी सब्जेक्ट को लेके, तो आप उसके बेसिक्स को बिल्कुल थोड़ा बहुत समझ के चलिए। ज़्यादा से ज़्यादा आपका दो लेक्चर या एक लेक्चर का काम होगा, लेकिन अगर आप उसे बिल्कुल ब्लैंकली छोड़ देंगे और कभी हल्का सा क्वेश्चन उससे आ गया तो आप किसी को ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये सिलेबस में था या नहीं था। तो ट्रसेस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हमारे जेई और एई लेवल के एग्जाम्स में, किसी में भी, ठीक है ना। तो और ज़्यादा कुछ नहीं है, हमारा 40 मिनट्स का लेक्चर एक पहले था, आज एक लेक्चर होगा बट ट्रसेस खत्म। तो ये दो लेक्चर अगर आप पढ़ लेते हैं तो कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आपके बहुत सारे पेपर में ये इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई वगैरह सभी में, ठीक है ना। तो इसलिए मैं नहीं चाह रहा हूँ उसको बाद में अलग से कवर करना पड़े। जब आप मैकेनिक्स कर रहे हैं तो इसको भी साथ साथ लेके चल लेते हैं, जल्द ज़्यादा दो लेक्चर का काम है बच्चों। तो रिस्क लेना बेकार है, ठीक है ना, कि हम बोलें कि इसको करते ही नहीं। बहुत ईजी है, आप लोगों ने लास्ट लेक्चर अगर देखा होगा ट्रसेस में जो मैंने स्टार्टिंग में बताया तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। इसीलिए मैंने कहा हम ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक, सिर्फ एक क्वेश्चन सब्जेक्टिवली अटेम्प्ट कर लीजिए, उससे आपको दो फायदे होंगे। एक फायदा तो ये होगा कि अगर कोई भी ट्रसेस का क्वेश्चन आया तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन हम लोग को आती होगी और हम बहुत इजीली कर पाएंगे। दूसरा, आपको फोर्सेस के ऊपर क्वेश्चन जो कन्फर्म आएगा उसमें रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस कैसे करते हैं, तो जिन बच्चों को रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे दूर हो जाएगा। तो ये दो बेनिफिट हम लोगों को यहाँ पे होते हैं। तो इसीलिए एक सब्जेक्टिव प्रॉब्लम करने में यहाँ पे कोई हमें नुकसान नहीं है, इट विल बी बेनिफिशियल फॉर ऑल अदर एग्जाम्स एंड ऑल्सो फॉर आरआरबी जेई। तो आइए बच्चों, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, उससे पहले, ठीक है ना, प्रॉब्लम आपके सामने आपको नजर आ रही होगी, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम लोगों को यहाँ पे क्लियर करनी जरूरी है। जैसे कि हमारे पास सिंपली ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि वट आर द डिफरेंट मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग या सॉल्विंग ट्रसेस, ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए या फ्रेम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड्स होते हैं। तो याद रखिएगा, वी हैव थ्री इंपॉर्टेंट मेथड्स टू सॉल्व ट्रसेस प्रॉब्लम्स। तो याद रखिएगा, ट्रसेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं, जिसमें फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ जॉइंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट मेथड है मेथड ऑफ सेक्शन। थर्ड इंपॉर्टेंट मेथड है आपके पास टेंशन कोफिशियंट्स के थ्रू भी आप जो है वो निकाल सकते हैं। तो मैं बच्चों क्लियरली विजिबल है यहाँ पे, ठीक है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि विजिबिलिटी वगैरह कैसी है, ऑडियोबिलिटी कैसी है। चलिए, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको कहा कि ये थ्री मेथड्स के नाम आपको ध्यान रखने हैं, मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन, क्योंकि एक बार क्वेश्चन आ चुका है कि मेथड ऑफ सेक्शन इज रिलेटेड टू विच कैलकुलेशन। तो याद रखिएगा, ट्रसेस की कैलकुलेशन के लिए मेथड ऑफ जॉइंट, मेथड ऑफ सेक्शन और टेंशन कोफिशियंट मेथड, ये तीनों मेथड जो हैं वो यूज किए जाते हैं ट्रसेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे अगर मेरी राय माने तो सबसे प्रेफरेबल मेथड जो होता है वो मेथड ऑफ जॉइंट है, जो सबसे आसान है समझना भी और कैलकुलेट करना भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट एक मेथड आपको एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, वो करवाएंगे मेथड ऑफ जॉइंट से, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ बच्चों मेथड ऑफ जॉइंट्स की। तो याद रखिएगा, मेथड ऑफ जॉइंट्स को लगाने से पहले कहीं पर भी लगाने से पहले आपको सिर्फ और सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना, कि यहाँ पे साइन कन्वेंशन क्या लिए जाएंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा बच्चे सिर्फ इस साइन कन्वेंशन में ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि साइन कहां लेना है टेंसाइल, कहां लेना है कंप्रेसिव। तो याद रखिएगा बच्चों, बड़ा सिंपल वे बता रहा हूं कि जब भी आप किसी भी मेंबर पे लगने वाले फोर्स को बताएं कि इस मेंबर पे क्या लग रहा है फोर्स और क्या उसका नेचर है, तो उसके लिए हमेशा आप जॉइंट को देखिए। याद रखिएगा, हमेशा जॉइंट को देखिए। जॉइंट पे जो भी मेंबर कनेक्टेड है
आप उसके हिसाब से आंसर करिए। कैसे कि देखिए जॉइंट पे अगर कोई फोर्स ऐसे लग रहा है, ठीक है, या इस जॉइंट पे कोई फोर्स जो है वो ऐसे लग रहा है, ठीक है ना। तो देखिए अगर ऐसा कोई फोर्स लग रहा है तो आपको यहां पे साफ समझ में आएगा कि ये क्या है, टूवर्ड्स द जॉइंट है। ये F1 फोर्स क्या है, F1 फोर्स इज टूवर्ड्स द जॉइंट, ये जॉइंट की तरफ लग रहा है, ठीक है ना। और जॉइंट की तरफ लग रहा है तो मतलब जॉइंट को दबा रहा है। तो याद रखिएगा बच्चों, इस तरह के नेचर ऑफ फोर्स को हम लोग बोलते हैं कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, ठीक है। ऐसे ही हम बोले कोई F2 फोर्स लग रहा है अवे फ्रॉम द जॉइंट, जॉइंट से दूर जा रहा है। तो अगर मैं बोल रहा हूं F2 विच इज अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो आपको ध्यान रखना है जो जॉइंट से दूर जा रहा है वो क्या है, टेंशन, वो टेंशन है, ठीक है ना। क्योंकि बच्चे इसको उल्टा समझ बैठते हैं, क्योंकि ये किसी ना किसी जॉइंट से यहां से जुड़ा रहता है, ये किसी ना किसी जॉइंट से यहां से जुड़ा रहेगा। तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो ये इधर जॉइंट की तरफ है तो उसका बैलेंस फोर्स किधर होगा, उधर वाले जॉइंट की तरफ होगा। ये इधर जॉइंट की तरफ है बाहर को, तो इसका बैलेंस फोर्स कहां होगा, इधर से जॉइंट की तरफ होगा बाहर को। तो आप बच्चे लोग क्या करते हैं, आप लोग इसी मेंबर को देख के बोलते हैं कि भाई ये मेंबर में तो फोर्स एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं, ये कंप्रेसिव है, इस मेंबर में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, ये टेंशन है। बस यहाँ कैलकुलेशन सारी गड़बड़ हो जाएगी बच्चों। तो ध्यान रखिएगा आपको जॉइंट को देखना है कि जॉइंट की तरफ है या जॉइंट से दूर जा रहा है। जॉइंट की तरफ आ रहा है तो कंप्रेसिव, जॉइंट से दूर जा रहा है तो टेंशन। बस इस तरह से आप लोग हमेशा जो है वो साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। समझ आ रही है बच्चों, हमेशा इस तरह से साइन कन्वेंशन को ध्यान रखिएगा, कोई समस्या नहीं आएगी। क्लियर है, आप आराम से कहीं पर भी साइन पुट कर सकते हैं, जैसे कि अभी हम इस क्वेश्चन में करके देखेंगे। समझ आ गई बात, बस इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। और तीसरी चीज ध्यान रखिएगा बच्चों, तीसरी चीज ध्यान रखिएगा क्वेश्चन करने से पहले कि आपको अगर कहीं पर भी, ठीक है ना, कहीं पर भी हमने बोला कि कोई फोर्स इमेजिन करो, आपने उस फोर्स को इमेजिन किया कि F1, लेकिन आपको डायरेक्शन उसकी अभी नहीं पता है, तो आपने खुद से ही मान ली डायरेक्शन उसकी बाहर को F1, तो मतलब आपने खुद से ही टेंशन मान ली डायरेक्शन। लेकिन जब आपने मान लीजिए कैलकुलेट किया तो वो F1 निकल के आया -20, तो आपका जो माना हुआ फोर्स था अगर वो निकल के नेगेटिव आ रहा है तो आप ध्यान रखिएगा आपने जो साइन लिए हैं वो गलत हैं, आपको साइन चेंज करने पड़ेंगे। तो ऐसे में दो राय है कि जब आप आगे इस फोर्स को लेंगे, अगर आप जो डायरेक्शन ली थी वही लेके चलना चाहते हैं तो याद रखिएगा आपको साइन भी साथ में लेके चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अगले पॉइंट से, मतलब जब आपको पता चल गया कि नहीं डायरेक्शन मैंने गलत ली है और आप उसको चेंज कर देते हैं आगे से कि मैं आप फोर्स को ऐसे ही लूंगा, तो फिर यहां पे नेगेटिव आप हटा सकते हैं क्योंकि अब आपने डायरेक्शन जो है वो चेंज कर दी। तो इसलिए याद रखिएगा बच्चों, बेटर यही होता है कि नेगेटिव साथ में ना लेके चला जाए, डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाए। समझ आई बात। तो आइए यहाँ पे हम लोग कुछ बस इन छोटी सी चीजों को ध्यान रखना है। यहाँ पे हम एक क्वेश्चन ट्राई, मैंने बोला ना ज्यादा नहीं, एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे और आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन ट्राई करने की जरूरत है जब आप लोग एसएससी जेई का सब्जेक्टिव देने जा रहे होंगे, ठीक है ना। एसएससी जेई का ऑब्जेक्टिव तो इससे ही हो जाएगा, लेकिन एसएससी जेई का सब्जेक्टिव देने जब जाओगे तो तब आपको ट्रसेस की पूरी पूरी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस मुझे करानी पड़ेगी। लेकिन अभी आरआरबी जेई की बात करें तो उसमें तो आने के चांसेस कम हैं, लेकिन जो भी ऑब्जेक्टिव कंटेंट आ सकता है वो मैंने बता दिया। बस यहाँ इस सब्जेक्टिव प्रॉब्लम से मैंने आपको बोल दिया कि आरआरबी जेई में आपको कैलकुलेशन में हेल्प मिलेगी, चाहे वो ट्रसेस का क्वेश्चन हो या फिर सिंपल फोर्सेज का क्वेश्चन हो। तो बस इस कैलकुलेशन को एक बार ढंग से देख लीजिए, ठीक है। देखिए बच्चों, अब हमारे पास आपके सामने एक प्रॉब्लम दिखाई दे रहा है जहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक ट्रसेस है जिसमें ये सारे मेंबर लगे हुए हैं और एक तरफ वो हिंज है और एक तरफ जो है रोलर सपोर्ट लगा हुआ है और यहाँ पे दो जो है वो फोर्स दिखाई दे रहे हैं, 90 किलो न्यूटन का एक फोर्स है और एक फोर्स यहाँ पे 120 किलो न्यूटन का है। तो यहाँ पे जो दो फोर्स हैं वो डाउनवर्ड लगते हुए नजर आ रहे हैं।
अब आपको मान लीजिए बोल लिया जाए कि किसी मेंबर पे फोर्स निकालिए, तो अगर वो किसी मेंबर पे बोल रहा है तो आप ये देखिए उस मेंबर पे जल्दी से जल्दी फोर्स कैसे निकल सकता है, और अगर आपको बोलता है सभी मेंबर पे तो फिर वहां से स्टार्ट करिए जहां से निकलना इजी पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे सबसे जरूरी है पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करना। तो रिएक्शंस देखें तो रोलर सपोर्ट पे कितनी रिएक्शन लगती है, एक ही रिएक्शन लगती है, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था वर्टिकल आर एफ, ठीक है। और हिन सपोर्ट में कितनी लगती है, दो लगती है, एक वर्टिकल आर ए और एक हॉरिजॉन्टल। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हॉरिजॉन्टल रिएक्शन लगने के लिए कोई हॉरिजॉन्टल फोर्स भी होना जरूरी है। अब आप यहाँ खुद ही बताइए क्या यहाँ पे कोई भी हॉरिजॉन्टल एक्शन फोर्स है, नहीं है ना, तो यहाँ पे मतलब हॉरिजॉन्टल लेने की जरूरत आपको नहीं है, कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स आपको यहाँ पे लेने की जरूरत नहीं है। नहीं आ रही साउंड, प्रॉब्लम हो रहा है क्या बच्चों? आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही है मेरी? कोई भी बच्चा मुझे कंफर्म करे। क्लियर है ना? ओके, सो नो वरी। चलिए तो देखिए ऐसे में यहां पे अगर हम रिएक्शंस कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले तो मैं क्या बोलूं, ऑल वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो। तो वर्टिकल क्या है, दो आर ए और आर एफ ऊपर जा रहा है तो इन दोनों को हम लिख देते हैं आर ए प्लस आर एफ, और 90 और 120 नीचे आ रहा है तो माइनस 90 माइनस 120 इज इक्वल टू जीरो, और कोई फोर्स है नहीं। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, आर ए प्लस आर एफ इज इक्वल टू 120 210, 90 प्लस 120 210, ये हो गया 210। तो ये बनी हमारे पास इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। अब यहां पे बच्चों हमें आर ए और आर एफ कैलकुलेट करने के लिए मोमेंट लेना पड़ेगा, वो भी किसके अबाउट, ए के या एफ के। तो हम ले लेते हैं ए के अबाउट मोमेंट। तो याद रखिए नाउ टेकिंग मोमेंट अबाउट ए, ए के अबाउट मोमेंट लेते हैं तो क्या होता है, समेशन ऑफ मोमेंट अबाउट ए इक्वल्स टू जीरो। तो देखिए अब ए से मैं मोमेंट लेता हूं तो सबसे पहले क्या है, आर एफ इंटू 3393, ठीक है ना, 3 3 6 3 9, तो यहां पे आर एफ इंटू 9, तो सबसे पहला फोर्स लग रहा है आर एफ इंटू 9, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये कैसा है, ये देखिए ऊपर को जा रहा है तो मतलब ये लग रहा है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो बाकी के दोनों जो है वो क्लॉक वाइज डायरेक्शन में क्योंकि वो नीचे की तरफ है। तो यहाँ पे 120 क्या लगा रहा है, 120 इंटू 6, तो माइनस का 120 इंटू 6, और दूसरा क्या है माइनस 90 इंटू कितना डिस्टेंस है 3, ए से माइनस 90 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। तो बस यहाँ पे हम इसे कैलकुलेट करें तो आर एफ इंटू 9 विल बी इक्वल टू, बाकी दोनों को उधर ले जाओ तो ये क्या बन जाता है 0, 612 72, 720 प्लस 3039 27 270। तो आर एफ यहाँ से बच्चों क्या कैलकुलेट होके आ रहा है, इसको हम कैलकुलेशन में कर सकते हैं, तो ये आर एफ हमारा आना चाहिए लगभग कैलकुलेट होके, आप लोग कर सकते हो, तो ये आ जाना चाहिए हम लोगों का 110 किलोन्यूटन, ठीक है ना, आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है, ये आ रहा है हमारा 110 किलोन्यूटन। कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक होगी बच्चों मुझे बता दीजिएगा, 110 किलो न्यूटन। तो आप लोग भी साथ साथ ये कैलकुलेशन कर ले, मैंने बोला ना एक ही बार करनी है बस, बाकी नहीं। तो आर एफ आ गया 110 किलो न्यूटन। अब यहां पे देखें हम आर ए, तो आर ए इज इक्वल टू 210 माइनस आर एफ, है ना, आर ए इज इक्वल टू क्या है 210 माइनस आर एफ, तो यहां से आर ए इज इक्वल टू हम निकाले तो इट विल बिकम 100 किलो न्यूटन। तो आर ए आ गया यहाँ पे 100 किलो न्यूटन। तो बस बच्चों ये दोनों रिएक्शन हमारे सामने आ गई है, तो आपको ध्यान रखना है कि अब यहां पे आर ए जो है वो लग रहा है 100 किलो न्यूटन, ठीक है, और आर एफ जो लग रहा है यहां पे 110 किलो न्यूटन। तो बच्चों मैंने पहले ही आपको बोल दिया बार बार कि कोई बच्चा परेशान ना हो कि हम सब्जेक्टिव प्रॉब्लम क्यों कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया इनडायरेक्टली इसका बहुत बेनिफिट है अगर आप एक प्रॉब्लम को भी कर लेते हैं तो, ठीक है। खासकर रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस को जरूर देखिएगा कैसे फोर्सेस रिजोल्व करके बैलेंस करते हैं, क्योंकि
आप जब क्वेश्चन देखेंगे ऐसे कई सारे फोर्सेज में, तो वो पूछे जाते हैं आपके आरआरबी जेल में। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये देखिए हमने रिएक्शन निकाल ली, ठीक है। तो जब हमारी यहाँ पे रिएक्शन आ गई, अब लगाते हैं हम मेथड ऑफ ज्वाइंट। देखिए अब ट्रसेस को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना है मेथड ऑफ ज्वाइंट। अब वो कैसे लगता है, सिंपल है बच्चों, तो याद रखिएगा मेथड ऑफ ज्वाइंट्स लगाने के लिए सबसे पहला काम जो आपको करना है वो है कि किस ज्वाइंट को लेके मेरे को फोर्सेस मिल सकते हैं। अब देखिए अगर मैं बी लेता हूं तो यहाँ पे एक दो तीन फोर्सेस हैं, हमारे पास दो ही इक्वेशन है, तीन फोर्स सॉल्व हम नहीं कर सकते। यहाँ पे लेता हूं तो यहाँ पे सी, यहाँ भी चार है, यहाँ भी आपकी चार है, तो मुश्किल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे लेता हूं ए को, तो ज्वाइंट ए में एक दो तीन फोर्स है, उसमें से तीसरी वाली मुझे पता है, दो ही बची, तो आराम से सोल्यूशन आ जाएगा। तो यहां पे बच्चों मैं लेता हूं सबसे पहले कैलकुलेशन में जॉइंट ए। जॉइंट ए से मुझे क्या पता चलेगा बच्चों, जॉइंट ए से मुझे फोर्सेस एबी पे कितना लग रहा है, फोर्सेस एएच पे कितना लग रहा है, ये पता चलेगा। तो सबसे पहले जैसा दिख रहा है वैसा ही जॉइंट ए को आप बना दीजिए। तो मान लीजिए दिस इज जॉइंट ए, जिसमें नीचे से लग रहा है एक फोर्स 100 किलो न्यूटन, ठीक है, किलो न्यूटन बाद में लिखते रहेंगे, अभी वैल्यूज लिख लेते हैं। तो ये है 100, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे लग रहा है एक AH और यहाँ लग रहा है एक AB। अब आपको इसकी डायरेक्शन नहीं पता है, तो इसलिए मैंने क्या कहा था, डायरेक्शन को इमेजिन कर लो। इमेजिन कर लेते हैं, इसे टेंसाइल मान लेते हैं, तो हम कर देते हैं एफ ए एच, और इसको मान लेते हैं एफ ए बी, तो दोनों को मैंने टेंसाइल मान लिया, ठीक है। आप कंप्रेसिव भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब आपको साफ यहां पे समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। अभी इस चीज को मैं इनडायरेक्टली भी बताऊंगा कैसे करना है, यहां पे आपको साफ समझ में आ रहा है, तभी मैं कह रहा हूं पूरा लेक्चर देखिएगा। लास्ट में आपको कुछ इसमें से ऑब्जेक्टिव चीजें भी बताऊंगा कि कैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी डायरेक्ट पूछा जा सकता है इतने बड़े क्वेश्चन में से, ठीक है। अब यहां पे आप देखिए खुद ही कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल का सम करता हूं तो क्या एफ ए एच के अलावा कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स है, नहीं ना, तो एफ ए एच में फोर्स क्या होगा, जीरो। तो एफ ए एच का फोर्स आ गया जीरो। और अगर मैं वर्टिकल का सम करता हूं तो यहां पे एफ ए बी में क्या फोर्स लगता है, एफ ए बी भी ऊपर को है, 100 भी ऊपर को है, तो एफ ए बी प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो। देख रहे हैं ना, वर्टिकल अपवर्ड, एफ ए बी भी ऊपर है, 100 भी ऊपर है, तो एफ ए बी प्लस 100 इज इक्वल टू जीरो, और एफ ए बी यहां पे निकल के आ रहा है माइनस 100। अब बच्चों मैंने क्या कहा था आपको कि अगर नेगेटिव निकल के आएगा इसका मतलब कि जो डायरेक्शन आपने ली है वो गलत है। तो सही डायरेक्शन क्या होगी ज्वाइंट ए में, तो याद रखिए ज्वाइंट ए में सही डायरेक्शन होगी इसकी, ये तो जीरो है तो ये तो लगेगा नहीं, समझो, है ना। तो ऑब्वियसली बात है 100 ऊपर को लग रहा है, तो 100 यहां से फोर्स नीचे को लगेगा एफ ए बी, समझे बात। तो ये होगी एफ ए बी की सही डायरेक्शन। अब देखो ये चीज हम ओरली भी कर सकते थे ना, 100 ऊपर है तो 100 नीचे लगना चाहिए था, हमने बाहर ऊपर को लिया, ठीक है ना, ताकि आपको समझा सके कि नेगेटिव का क्या करना है। तो अब आप सिर्फ पॉजिटिव 100 लिखोगे, क्यों, क्योंकि आपने डायरेक्शन ऑलरेडी चेंज कर दी। तो बस यहां पे याद रखिएगा बच्चों, हमने लिया जॉइंट ए, मैं यहां पे सारे फोर्स लिखता जाऊंगा, हमने निकाला फोर्स एट ए बी जो निकल के आया 100 किलो न्यूटन, और नेचर उसका निकल के आया। आप देखो नेचर क्या है, अभी मैंने आपको समझाया था नेचर, इसको देखो ये करेक्ट डायग्राम है ना इसका, नेचर क्या है, नेचर से टूवर्ड द जॉइंट, जॉइंट की तरफ है कि जॉइंट से दूर जा रहा है, जॉइंट की तरफ जा रहा है ना, मतलब कंप्रेसिव, कंप्रेसिव, सिंपल, ठीक है ना। और एफ ए एच अगर बोले जाए तो एफ ए एच का वैल्यू आ रहा है जीरो, तो यहां पे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, समझ आई बच्चों बात, क्लियर है। तो बस ऐसे ही करता जाना है, लेकिन जब कभी आप फ्यूचर में सब्जेक्टिव प्रॉब्लम इसे करोगे तो जैसे जैसे फोर्सेस निकलते जाएंगे उसको यहां ड्रॉ कर जाएगा। एफ ए बी कैसे निकल के आया, कंप्रेसिव, तो कंप्रेसिव बना दीजिए टूवर्ड दी ज्वाइंट, तो यहां से भी टूवर्ड दी ज्वाइंट, दैट इज कितना आया ये 100, ठीक है। और एफ ए एच, ए एच आया जीरो, तो जीरो को हम इस तरह के साइन से दिखा सकते हैं इस पे, यहां पे इस साइन का मतलब है कि यहां पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, समझ आए बच्चों बात, दिख नहीं रहा है सर, बच्चों किसी पर्टिकुलर बच्चे को प्रॉब्लम है या सभी को, यहां से तो बिल्कुल क्लियर व्यू है बच्चों, बिल्कुल क्लियर व्यू,
कोई दिक्कत नहीं आ रही है व्यू में, ठीक है। तो देखिए, क्या पता आपके मोबाइल का सेटिंग कुछ गड़बड़ हो, नेट में कोई प्रॉब्लम हो, क्योंकि यहाँ पे तो बिल्कुल क्लियर व्यू जा रहा है यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे एक चीज समझ आई बच्चों। अब देखो, अब हमारे ए जॉइंट को हमने सॉल्व कर लिया, अब यही करते जाना है बच्चों, कुछ नहीं, बस जो एंगल में फोर्स होंगे उनको रिजोल्व करना है और हॉरिजॉन्टल का सम वर्टिकल का सम करना है। तभी तो मैंने कहा एक क्वेश्चन बहुत होता है इस चीज को समझने के लिए, बाकी तो सब आपकी प्रैक्टिस है, नया कुछ नहीं है। अब नाउ, अब मैं सॉल्व करता हूं जॉइंट बी, ठीक है। अब हम लेते हैं जॉइंट बी को, क्यों, बी में एक फोर्स अब हमें पता है 100 इसकी तरफ जा रहा है, हम बी एच और बी सी निकाल लेंगे। तो नाउ वी विल टेक जॉइंट बी, बस एक एक जॉइंट लेते जाओ, कैलकुलेशन करते जाओ। तो ये लिया हमने जॉइंट बी, अब देखो जॉइंट बी में क्या लग रहा है। अब इसको तो हम जानते हैं ना कि 100 जो है वो जॉइंट की तरफ लग रहा है, तो इसको तो हम बना देते हैं सीधा सीधा कि 100 जो है वो जॉइंट की तरफ लग रहा है, समझ आई बात। तो यहाँ पे इसको तो हम सीधा सीधा बना देते हैं बच्चों कि 100 जो है वो जॉइंट की तरफ लग रहा है। नाउ अब देखिए बी सी, एक जो है इधर बी सी लग रहा है, अब इसका भी डायरेक्शन हमें नहीं पता, एक जो है वो इधर लग रहा है, इसका भी डायरेक्शन हमें नहीं पता। तो यहाँ पे बच्चों इसका डायरेक्शन निकाला जाता है, दोनों को टेंसाइल ले लेते हैं फिलहाल, जब हमें नहीं पता तो एफ बी एच और एफ बी सी, ठीक है। तो अभी हमने दोनों को टेंसाइल मान लिया। अब इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे इनकी वैल्यू निकालना, मतलब इस थीटा की वैल्यू, क्यों, ताकि हमें पता चले कि ये थीटा कितना है। तो बच्चों ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा, है ना, तो यहाँ पे मतलब ये एंगल जो है वो थीटा है। अब थीटा कितना है हमें नहीं पता अभी, तो अभी देखते हैं पहले क्या करें। अब देखो ये तो वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल है, सिर्फ बी एच जो है वो थीटा एंगल पे है, तो इस बी एच को क्या करना पड़ेगा, रिजोल्व करना पड़ेगा। तो बस अब बच्चों ध्यान रखिएगा, बी एच को अगर हम रिजोल्व करेंगे तो जिधर थीटा बना रहा है उधर जाएगा कॉस कंपोनेंट और उसके परपेंडिकुलर जाएगा साइन कंपोनेंट, तो बाहर की तरफ ही लगाए हम, तो लिखे एफ बी एच कॉस थीटा, ठीक है, और यहां नीचे की तरफ लगेगा एफ बी एच साइन थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा इधर आ गया, कॉस थीटा इधर आ गया, बस एरो बाहर लिया है तो बाहर को ही दोनों एरो होने चाहिए, इसमें मिस्टेक मत करिएगा। नाउ अब बच्चों देखो साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, जब तक ये नहीं निकलेगा आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि अगर मैं हॉरिजॉन्टल का सम करता हूं, अब ये इसके तो कोई जरूरत नहीं है, इसको तो हमने रिजोल्व कर लिया, तो अब यहां पे मैं अगर हॉरिजॉन्टल का सम करता हूं बच्चों, तो देखो हॉरिजॉन्टल क्या हो रहा है, ये दो फोर्स एक ही तरफ लग रहे हैं, मतलब एफ बी एच कॉस थीटा प्लस एफ बी सी इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन में हमें कुछ भी नहीं पता, ना बी एच पता है ना बी सी पता है ना कॉस थीटा पता, ऐसे रहने दो। वर्टिकल का सम करते हैं तो क्या निकल के आता है, 100 ऊपर को और बी एच साइन थीटा नीचे को, तो हम क्या बोले एफ बी एच साइन थीटा माइनस 100 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। ये एक नीचे है एक ऊपर है तो माइनस ले लिया एक को, आप किसी को भी प्लस किसी को भी माइनस मान सकते हो बच्चों, ऐसा नहीं है कि आप डाउनवर्ड को हमेशा नेगेटिव ही लेना है या पॉजिटिव लेना है, ऐसा कुछ नहीं, आप नीचे वाले को नेगेटिव और ऊपर वाले को पॉजिटिव मान सकते हो, या नीचे वाले को पॉजिटिव ऊपर को नेगेटिव, तो हमने नीचे वाले को पॉजिटिव बोल दिया और ऊपर वाले को नेगेटिव बोल दिया। तो यहां पे आपको दिख रहा है एफ बी एच का वैल्यू निकल जाएगा 100 अपॉन साइन थीटा। अब बात यह है कि साइन थीटा भी नहीं पता, एफ बी एच आ जाएगा तो यहां पे एफ बी सी भी आ जाएगा, क्योंकि एफ बी सी और कुछ नहीं है, एफ बी सी इज इक्वल टू माइनस एफ बी एच कॉस थीटा है। नाउ अब थीटा की कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है बच्चों, देखिए अब थीटा ये है ना, यहाँ पे हाइट आपको दी है इसकी, ठीक है ना, मैंने हाइट लिखना भूल गया, यहाँ पे हाइट दी है बच्चों इसकी फ्रेम की जो है वो हाइट यहाँ पे दी है आपको ऑलरेडी, दैट इज 4 मीटर, 4 मीटर आपको इसकी हाइट दी हुई है, क्लियर है, दिख रहा है आपको इस कॉर्नर में 4 मीटर जो है वो इसकी हाइट दी है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पे याद रखिए कॉस थीटा, अगर आप थीटा निकालना चाह रहे हैं तो देखो आपको बेस पता है 3 मीटर और परपेंडिकुलर पता है 4 मीटर, तो यहाँ पे 10 थीटा लगा सकते हैं हम लोग, ठीक है ना, यहाँ पे हम 10 थीटा लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। तो देखिए अगर मैं 10 थीटा लगाता हूँ तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 4/3, ठीक है, आपको ट्राइंगल दिखाई दे रहा है ना, देखिए। अब यहाँ पे मैं आपको एक गलती बताऊंगा बच्चों, जो अक्सर हम लोग करते हैं, चाहे वह सब्जेक्टिव प्रॉब्लम ही क्यों ना कर रहे हो,
देखिए ये थीटा है, ये चार है, ये तीन है, तो टेन थीटा हम क्या बोलेंगे, 4/3 परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बच्चे क्या करते हैं कि इसको सॉल्व करके थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 4/3 निकालते हैं। ऐसा नहीं करना है, आप यहां से थीटा निकालोगे फिर बार बार साइन थीटा कॉस थीटा आएगा, आप उसमें थीटा रख के रहोगे, बार बार कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी, ऐसा करो ही मत। क्या करो देखो, हमेशा क्या करो, 4/3 दो साइड पता है ना आपको, आप हाइपोटेन्यूज निकाल लो। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस जो है क्या है बेस का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा, 16 + 9 = 25, इट विल बिकम 25√5 meters। तो यहां पे देखो बच्चों, हमारा हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा कि अगर बेस हमारा 3 है और परपेंडिकुलर हमारा 4 है तो हाइपोटेन्यूज अपने आप ही 5 आ जाएगा। तो बस अब आसान है ना। अब देखो आपको साइन थीटा कॉस थीटा की तो वैल्यू चाहिए, आप सीधा लिख लो, साइन थीटा क्या है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 4/5, सिंपल। कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज मतलब 3/5, बस इजी हो गया ना। आप थीटा कोई एंगल निकालते हो, उस एंगल को बार बार फुट करते तो कैलकुलेटर की जरूरत पड़ती है आपको हर बार। अब आपको कुछ नहीं करना, सीधा साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू यहां रख दो। देखो एफ बी एच 100, साइन थीटा कितना है, दैट इज 4/5, ठीक है ना। तो ये 4/5 में से 100 इंटू 5 ऊपर ले जाते हैं और नीचे ले जाते हैं, ये 25 बचा, तो 125 आ गया हमारा यहाँ पे फोर्स, एफ बी एच आ गया हमारा 125 किलोन्यूटन और पॉजिटिव का आया, ठीक है ना। एफ बी एच आ गया हमारा 125 किलोन्यूटन और पॉजिटिव का आया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि फोर्स जो है, जो हमने डायरेक्शन लिया था वो सही है, मतलब हमने टेंसाइल लिया था, टेंसाइल ही है। तो हम यहां पे लिख देंगे कि हमने जॉइंट बी जब लिया तो वहां से एफ बी एच क्या निकला, एफ बी एच निकला हमारा 125 किलो न्यूटन, जिसका नेचर क्या निकला, टेंसाइल, सिंपल। बस अब एफ बी एच को यहां पुट कर देते हैं एफ बी सी में, तो एफ बी सी इज इक्वल टू -125, ये माइनस पहले से है ना यहाँ, और कॉस थीटा क्या है, इंटू 3/5। तो यहाँ पे बच्चों 5/25 और 25 × 3 दैट विल बिकम माइनस का 75 किलो न्यूटन। अब देखो सिंपल है कि हमारा जो है बी एच था टेंसाइल, तो मैंने बी एच को तो टेंसाइल पुट कर दिया। अब यहाँ पे BC जो है वो नेगेटिव निकल के आया, मतलब मैंने BC को पहले क्या माना था, टेंसाइल माना था ना, लेकिन वो नेगेटिव निकल के आया, इसका मतलब क्या है कि जो हमने डायरेक्शन टेंसाइल ली थी वो नहीं है, उल्टी है, क्या है, कंप्रेसिव है। तो सिंपल हम क्या लिख देंगे, FBC इज इक्वल टू 75 किलो न्यूटन, सीधा बोलो कंप्रेसिव, क्लियर है, समझ आ गई बात। तो यहाँ पे बच्चों पुट कर देते हैं, बच्चों क्लास तो रोज ही लाइव, एक्चुअली क्या है ना, मतलब लाइव कभी कभी इसलिए नहीं हो पाता है कि मान लीजिए अगर नेटवर्क का प्रॉब्लम या ये रहता है तो मैं ये नहीं चाहता कि क्लास हो ही ना, लाइव के भरोसे नहीं, तो ऐसे में कभी कभी या कुछ काम पड़ जाता है तो मैं अपलोड करके लेक्चर को डाल देता हूँ, पर डलेगा उसी टाइम पे 2:30 पे, ठीक है। तो आप 2:30 का अपना टाइम बना लीजिए, 2:30 को आपको लेक्चर या तो लाइव मिलेगा या अपलोड मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, क्लियर है। बहुत रेयर चांस होता है कभी कि लेक्चर नहीं हो पाता, जैसे कल नहीं हो पाया लेक्चर तो फिर मैंने वो मॉर्निंग में दे दिया आपको, तो लेक्चर आपके पास डे टू डे के हिसाब से मिल जाएगा, ये आप टेंशन फ्री रहिए, ठीक है ना। चाहे मैं रात को दूं, दिन में दूं, मॉर्निंग में दूं, लेकिन आपके पास लेक्चर जो है, जिस दिन का जो लेक्चर है वो आपके पास पहुंच जाएगा, इसको आपके हमारी 100% ड्यूटी मान के चलिए, ठीक है, ठीक है। तो देखो एफ बी एच इज इक्वल टू 125 किलो न्यूटन आ गया, एफ बी सी कितना आ गया, अब मैं यहां बोलूंगा एफ बी सी will be 75 किलो न्यूटन और नेचर क्या है, कंप्रेसिव, है ना, कंप्रेसिव। तो अब आप देखो यहां पे भी बना देते हैं हम लोग, BC निकल के आया हमारा 75 कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब जॉइंट की तरफ, जॉइंट की तरफ बोलेंगे तो जॉइंट की तरफ ऐसे, ठीक है ना। तो इसलिए जो भी बच्चा बीच से लेक्चर को देख रहा है वो लेक्चर को स्टार्टिंग में जरूर देखे जब मैंने साइन बताए हैं, ताकि आप कंफ्यूजन ना हो कि सर मुझे जो है टेंसाइल लग रहा है, टेंसाइल नहीं, जॉइंट की तरफ, जॉइंट की तरफ जा रहा है तो कंप्रेसिव, तो यहां बोलेंगे दैट इज 75, ठीक है, समझ आ गई बात। दूसरा है बी एच, बी एच है टेंसाइल, तो जॉइंट से दूर, तो अवे फ्रॉम द जॉइंट, अवे फ्रॉम द जॉइंट कितना आया, 125। तो देखो बच्चों इस तरह से हमने
चार मेंबर में फोर्सेस जो है वो निकाल दिए इजीली। ठीक है, चलो एक और जॉइंट लेके चलते हैं यहाँ पे, ताकि कैलकुलेशन और अच्छे समझ में आए, बाकी आप करते रहिएगा जितने मर्जी। तो यहाँ पे मैं एक जॉइंट और लेता हूं। तो बच्चों आज हम लोग का यहाँ पे इस क्लास के बाद एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी रखेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि हम आरआरबी के लेवल के ऑब्जेक्टिव्स को भी अटेम्प्ट कर सके। तो तुरंत इस क्लास के बाद ही आपका एक ऑब्जेक्टिव सेशन भी होगा मैकेनिक्स पे बेस्ड। तो जितना मैकेनिक्स हम पढ़ चुके हैं उस पे बेस्ड हम लोग एक ऑब्जेक्टिव सेशन को रखेंगे, जो अब कोशिश करेंगे हम लोग ज्यादा से ज्यादा वो ऑब्जेक्टिव सेशन हो, ताकि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस भी होता रहे। क्योंकि एक क्लास तो मैं हमेशा समझाने में ही लूंगा कि मैक्सिमम समझा सकूं, और दूसरी क्लास में कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन ही हम लोग लें। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे एक ज्वाइंट और लेते हैं, बस उसके बाद खत्म करते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट लें, सी लें कि एच लें, या चलो आप बताइए, कोई डिफिकल्टी आपको हो रही हो या कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो मैं उसको सॉल्व करूं। नहीं बच्चे, इस टाइप के न्यूमेरिकल नहीं आएंगे। अब आप लोग बीच लेक्चर में आ रहे हो, इसलिए वो डिस्कशन में दोबारा नहीं कर सकता जो मैंने बताया आपको कि हम लोग ये क्यों कर रहे हैं न्यूमेरिकल। आप लेक्चर को स्टार्टिंग में देखिएगा, आपको मैंने समझाया है कि ये हम इस वाले सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल को क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए इससे बिल्कुल ये मत गैस करिएगा कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इतने बड़े क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आरबीजेई में। लेकिन एक सब्जेक्टिव करके आपकी कई समस्या सॉल्व होगी। तो बताइए कोई समस्या है कि मैं आगे चलूं? बताइए बच्चों, मैं वेट कर रहा हूँ आपके रिस्पांस का। एवरीथिंग इज ओके, सब समझ आ रहा है, या आपको कोई ज्वाइंट में या किसी में प्रॉब्लम हो रही है या कोई डिफिकल्टी आ रही है? चलिए तो चलें आगे। ऑब्जेक्टिव सेशन बच्चों जस्ट इसके बाद ही होगा, इस क्लास के 10-15 मिनट के बाद ही एक ऑब्जेक्टिव सेशन होगा, जिसमें मैं आरआरबी के जेई लेवल के मैकेनिक्स के क्वेश्चन लेना शुरू करूंगा। और कम से कम आपको धीरे धीरे सेशन हम लोग कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसी वीक में समझ लीजिए आपका ये सेशन कंप्लीट हो जाएगा। जो भी अब अपकमिंग वीक आ रहा है, 2-3 दिन के अंदर मैं मैकेनिक्स पूरी कंप्लीट कर दूंगा आपकी, 3-4 दिन के अंदर, ठीक है ना, और साथ साथ उसके पूरे ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा। क्लियर है? ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं एक जॉइंट और ले लेता हूँ, बस जिससे आपकी कैलकुलेशन थोड़ी सही हो जाए। देखो अब यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं जॉइंट नंबर सी। क्या जॉइंट नंबर सी की कैलकुलेशन हम अभी कर सकते हैं? देखिए अब यहाँ पे देखिए, हमें एक फोर्थ कितने हैं जॉइंट सी पे मेंबर, 1, 2, 3, 4 चार मेंबर हैं। तो चार में से हमें सिर्फ एक ही पता है, तो मतलब तीन निकालने पड़ेंगे। तो अब तीन इन इक्वेशन से तो नहीं निकल पाएंगे, तो इसलिए जॉइंट सी आप पहले नहीं ले सकते। आप क्या लोगे? आप ले सकते हो जॉइंट एच, जॉइंट एच को आप ले सकते हो। क्यों? जॉइंट एच में कितने मेंबर है? 1, 2, 3, 4 चार मेंबर हैं, जिसमें एक तो जीरो है, एक 125 हमें पता है, तो दो ही बचे। तो यहां पे मैं लेता हूं बच्चों जॉइंट एच। तो बस ये लास्ट जॉइंट है जो मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखा रहा हूं, ठीक है ना, जॉइंट एच। उसके बाद आप इजिली कर सकते हैं। तो देखिए अब जॉइंट एच को एज इट इज बना दीजिए बच्चों, जैसा ये है। तो ये है हमारे पास जॉइंट एच, जिसमें क्या है देखो, नीचे की तरफ लग रहा है डाउनवर्ड 90 किलो न्यूटन, ठीक है, 90 किलो न्यूटन। इधर है एक हॉरिजॉन्टल एच जी, अब इसका भी डायरेक्शन नहीं पता तो मान लेते हैं टेंसाइल एफ एच जी, ठीक है। यहां लग रहा है जीरो, तो बच्चों एच ए, एच ए जीरो है तो बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो हम इधर कोई फोर्स नहीं बनाएंगे, हम वर्टिकली बनाएंगे जो एफ एच सी है, ठीक है, इसको भी टेंसाइल मान लेते हैं, हमें नहीं पता ये कैसा है, एफ एच सी, ठीक। और एक लग रहा है यहाँ पे एंगल में, जो हमें पता है और उसकी डायरेक्शन भी पता है, टेंसाइल है, तो हमने टेंसाइल ही बनाई, और 125, ठीक, तो ये हमें पता है, ठीक है। तो ऐसे में बस हमें क्या करना है, हमें सिंपल ये है थीटा, तो इसको रिजॉल्व कर देंगे तो क्या बनेगा, देखो इधर आएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 125 कॉस थीटा, और इधर जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट 125 साइन थीटा, बस खत्म। अब इजीली है बच्चों, देखो अब क्या करें, सिंपल साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, है ना, तो अब बार बार यहां पे लिखे रहने देते हैं इसे। हमने क्या वैल्यू निकाली थी अभी आप लोगों ने देखा था, ये 4 था, ये 3 था, ये 5 था,
तो साइन थीटा हमारा था 4/5 और कॉस थीटा हमारा था 3/5, तो इसको लिखे रहने देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग बस यही पुट करेंगे। अब देखो, अगर मैं करता हूँ वर्टिकल फोर्सेस का सम इक्वल टू जीरो, तो वर्टिकल का सम मतलब ऊपर लग रहा है 125 साइन थीटा, नीचे लग रहा है 90, और क्या लग रहा है, और ऊपर लग रहा है एफ एच सी, तो ऊपर वालों को पॉजिटिव ले लेते हैं, एफ एच सी प्लस 125 साइन थीटा, और नीचे लग रहा है -90 इक्वल टू जीरो, तो नीचे वाले को नेगेटिव ले लिया। तो अब यहाँ पे एफ एच सी आप निकाल सकते हो, क्योंकि एफ एच सी प्लस 125 और साइन थीटा का वैल्यू क्या है, 4/5 4/5 -90 इक्वल टू जीरो, तो 525 और 4 × 25 100 - 90 10, तो एफ एच सी आ गया आपका -10 किलो न्यूटन, ठीक है। 100 - 90 विल बिकम 10, ठीक है ना। तो यहां पे आ गया आपका एच सी -10 किलो न्यूटन, ठीक है बच्चों। अब 10 किलो न्यूटन माइनस आया है, तो मतलब जो डायरेक्शन आपने ली है वो हमारी सही नहीं है, मतलब आपने टेंसाइल ली है वो क्या है, माइनस आ रही है, तो मतलब कंप्रेसिव है, तो हम बोलेंगे एच सी इज इक्वल टू 10 किलो न्यूटन कंप्रेसिव, ठीक है ना। ये हमने चेंज कर दिया। नाउ वर्टिकल का सम करते हैं, एफ एच जी भी निकल जाएगा। तो देखो वर्टिकल का सम करते हैं, वर्टिकल इज इक्वल टू जीरो, तो एच जी इधर लग रहा है एफ एच जी, और इधर लग रहा है 125 कॉस थीटा, बस एफ एच जी विल बी, देखो 125 cos थीटा इंटू 3/5, तो ये अगेन ये भी बन जाएगा हमारा 25, दैट विल बिकम 75 किलो न्यूटन एफ एच जी। तो बच्चों एफ एच जी आ गया 75 किलो न्यूटन, वो भी पॉजिटिव, तो मतलब जो है टेंसाइल नेचर अगर हमने लिया है तो वो टेंसाइल ही लग रहा है। साथ साथ हम चेक भी कर लेंगे ताकि कोई गलती ना हो, तो यहाँ पे जो हमने आंसर इन्होंने दिए हुए हैं उसके हिसाब से टेंसाइल 75। तो बस बच्चों यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ ज्वाइंट, कौन सा सॉल्व किया हम लोगों ने, ज्वाइंट एच के हिसाब से एफ एच सी हमारा निकला 10 किलो न्यूटन, वो भी किस नेचर का, कंप्रेसिव, ठीक है। और दूसरा निकला हमारा एफ एच जी 75 किलो न्यूटन, जिसका नेचर निकला टेंसाइल, बस। तो बच्चों इस तरह से हमने देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेंबर्स पे फोर्स निकाल दिए, ठीक है ना। तो इनको भी यहां पे ड्रॉ कर देते हैं कि हमारा एच पे लग रहा है एफ एच सी, एच सी पे लग रहा है 10 न्यूटन कंप्रेसिव, कंप्रेसिव मतलब ज्वाइंट की तरफ, तो ज्वाइंट की तरफ बनाना है आपको कंप्रेसिव, दैट इज 10, और एच जी है हमारा टेंसाइल ज्वाइंट से दूर, वो कितना है 75। तो इस तरह से हमने बच्चों ज्वाइंट एच भी सॉल्व कर लिया। बस अब आप ऐसे ही सी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। सी में अब हमें ये फोर्स पता है, ये फोर्स पता है, दो निकाल लें, तो बच्चों सेम मेरे ख्याल से सॉल्व हो जाएगा, अब किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सेम तरीके से हम लोगों को सारे ज्वाइंट सॉल्व करने हैं। अगर स्टिल आपको कोई भी ज्वाइंट प्रॉब्लम होती है या ज्वाइंट को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताएं, उसको हम सॉल्व करेंगे, क्लियर है। तो आई थिंक इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से यहीं वाइंड अप कर देना चाहिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बस आपको कुछ बेसिक चीज़ें बता देता हूँ जो आपको पूछी जाएंगी कभी भी किसी भी पेपर में। तो यहाँ पे बच्चों देखिए, आपको अगर ओरली पूछा जा सकता है कि ऐसा मैंने कोई फ्रेम बनाया और आपको मैं ओरली पूछूं, ठीक है ना। ये तो थी कैलकुलेशन, तो ये कैलकुलेशन में आपको दो चीजें सीखने को मिली, एक तो प्रॉपर रिजॉल्व कैसे करना है, ठीक है ना, दूसरा हम लोगों को यहाँ पे ये सीखने को मिला कि कैसे हम लोगों को ट्रसेस की कैलकुलेशन में ज्वाइंट टू ज्वाइंट सेलेक्ट करके आंसर निकालना है। अब देखिए, अब तीसरी चीज समझिए बच्चों कि यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं बताइए ऐसे कौन से ज्वाइंट हैं इस स्ट्रक्चर में, जो सामने स्ट्रक्चर है, इनमें ऐसे कौन से मेंबर हैं जिसमें कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, बताइए बच्चों। क्या आप इस डायग्राम को देख के बता सकते हैं कि कौन से ऐसे ज्वाइंट हैं या मेंबर हैं जिनमें कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है, बताइए। एक तो मैंने आपका बना ही दिया है, एक तो यहां पे लिखी रखा है मैंने AH, AH पे मैंने
ठीक है ना, ए एच पे मैंने जो है वो ऐसा कलर कर रखा है, ऐसा जीरो बना रखा है। तो ये जो जीरो मैंने बनाया है इसका मतलब है कि ए एच पे तो कोई फोर्स नहीं लग रहा है। आप और कोई मुझे बता दीजिए, कोई भी बच्चा इसको देख के बता सके कि बताइए कौन सा ऐसा मेंबर है जिसपे जीरो फोर्स लग रहा है, कोई फोर्स नहीं लग रहा है बिना कैलकुलेशन के। ए एच तो हमने कैलकुलेट किया, आप बिना कैलकुलेशन के बता सकते हैं क्या? बताइए बच्चों, जी एफ चलिए ठीक है मान लेते हैं। और कोई अभी मान लेते हैं, ए एच हमें पता था, कैलकुलेट किया, जी एफ बच्चे ने बताया है, और कोई मेंबर या बस यही दो होंगे? सिर्फ देख के अंदाजा लगाना है बच्चों, यहां कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। तो देखिए इसका मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं कि जब भी आपको ऐसा ओरली आंसर करना है ना कि जहां पे वो पूछे कि ऐसे जॉइंट बताइए जिनमें कोई भी फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है, तो इसका सिंपल तरीका याद रखिएगा बच्चों कि जहां पे ना किसी भी जॉइंट, ऐसा जॉइंट जहां पे टी बन रहा हो, टी मतलब एक फोर्स ऐसे, एक फोर्स ऐसे और एक फोर्स ऐसे, टी ऐसा भी हो सकता है, टी ऐसा भी हो सकता है, टी ऐसा भी हो सकता है, नीचे को समझ रहे हो, इस तरह का कोई भी जॉइंट अगर है जिसमें टी हो, मतलब कोई भी फोर्स एंगल में ना हो, सिर्फ वर्टिकल और वर्टिकल के साथ एक अकेला हॉरिजॉन्टल, या हॉरिजॉन्टल के साथ एक अकेला वर्टिकल। क्यों? क्योंकि अब आपको इसमें भी देख के ये पता चल जाएगा कि अगर ऐसा कोई फोर्स है तो भैया ये फोर्सेस तो अपने आप को बैलेंस करेंगे, लेकिन ये वाला क्या होगा, ये अकेला बचेगा ना, तो ये हमेशा जीरो बन जाएगा। ऐसे ही ये फोर्स अपने आप को बैलेंस करेंगे लेकिन ये अकेला क्या बचेगा, जीरो बन जाएगा, क्योंकि इसके साथ दूसरा कोई बैलेंस करने के लिए होगा नहीं, तो यहाँ पे कोई फोर्स लगेगा नहीं, अगर कोई एक्शन नहीं होगा तो रिएक्शन भी नहीं होगा। ऐसे ही सेम यहाँ पे इनमें जो फोर्स है वो आपने लगेंगे तो एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं, तो ये भी जीरो। तो बच्चों बस ऐसे जॉइंट ढूंढो इसमें और आंसर कर सकते हो। अब जैसे इस डायग्राम में हमें साफ दिख रहा है, ठीक है ना, डी ई भी बच्चे ने बोला है, चलो देखते हैं डी ई है या नहीं। अब देखो यहां पे आप साफ देखिए किसी भी जॉइंट को, ए ए देखो कैसा है, ए में इधर से फोर्स है ना, मैं एक एक करके दिखाता हूं आपको, अब आप आंसर अपने आप समझ जाएंगे जो मैंने बताया, बस उस चीज को ध्यान रखिए। टी ढूंढिए, टी तो टी ढूंढोगे तो देखो ए जॉइंट को अगर हम देखेंगे तो ए में क्या हो रहा है, देखो एक ऊपर को जा रहा है, ऊपर से एक नीचे को आ रहा है, और यहां पे अकेला मेंबर ये बच रहा है, तो जब ये अकेला मेंबर बच रहा है तो यहां पे क्या होना चाहिए, जीरो। समझ रहे हैं ना, ये होना चाहिए जीरो। आप एच की तरफ से देखोगे तो आइडिया नहीं लग पाएगा, क्यों, एच पे एक इंक्लाइंड भी है तो आप यहां पे टी नहीं बन रहा है, लेकिन ए की तरफ से देखोगे तो आपको टी मिल जाएगा, आप यहां से आंसर कर सकते हो जीरो। तो ये एक ओरली तरीका है बच्चों जिससे हम कर सकते हैं। अब देखो ऐसे टी एफ पे भी है, अगर मैं एफ को देखूं तो F में भी क्या हो रहा है, देखो F को अगर आप देखें तो F में भी क्या हो रहा है, F में भी एक मेंबर ऊपर को है, एक मेंबर फोर्स नीचे को लग रहा है, ठीक है ना, रिएक्शन, और यहाँ पे एक मेंबर जो है FG, ठीक है ना, जैसे यहाँ AH था ऐसे FG वो है खाली अकेला, तो ऐसे में ये भी तय है कि यहाँ पे भी जीरो होगा। तो बच्चों जिस वजह से यहाँ पे भी कोई फोर्स नहीं लगेगा, तो ये मेंबर जो है वो भी हुआ जीरो फोर्स वाला, समझिए बात, ये मेंबर भी जो है वो हुआ हमारा जीरो फोर्स वाला, जैसे कि मैंने इसको बोला ऐसे ही सेम ये भी जीरो हुआ। अब एक और टी ढूंढते हैं, एक टी और है बच्चों इसमें, डी जी, डी जी बच्चे ने आंसर किया है, डी जी, जी कहाँ है, जी है डी जी, क्या डी जी ऐसा नजर आ रहा है, बिल्कुल आपने सही टी ढूंढ लिया। अगला ज्वाइंट देखो डी बच्चों, ज्वाइंट डी देखो, ज्वाइंट डी में भी ऐसी है, एक मेंबर इधर है, एक मेंबर इधर, एक मेंबर नीचे खाली है, अकेला नीचे को जा रहा है, तो अब आप समझ सकते हैं ये बैलेंस करेंगे तो ये क्या बचेगा, अकेला बचेगा। तो बिल्कुल डी जी जिस बच्चे ने ढूंढा बिल्कुल सही है कि डी जी भी एक है जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है। तो बच्चों ये होते हैं ऑब्जेक्टिव, तो पहले आप सब्जेक्टिव समझिए तो बहुत ईजी हो जाएगा हम लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव भी आंसर करना, ठीक है ना। तो यहां पे बच्चों ये तीन मेंबर हैं जिनमें कोई फोर्स जो है वो नहीं लग रहा है, तो ये थे हमारे डी जी,
जी एफ एंड ए एच। तो अगर मैं सीधा क्वेश्चन आपको देता और आपसे पूछता कि बताइए कौन से मेंबर हैं जिसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है इस डायग्राम में, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं देख के ही बिना किसी पेन को उठाए कि भैया यहाँ पे तो एक ए एच है, एक डी जी है और एक जी एफ है। ये तीन मेंबर यहाँ पे हैं जहां पे जो है फोर्स वो जीरो है। तो आप इजीली इसका आंसर कर सकते हैं बच्चों, समझ आई बात। तो आई थिंक आप लोग ये शॉर्टकट को भी समझ पाए होंगे बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो इस बच्चा इस चीज को नहीं जानता है वो बस सॉल्व करने में लग जाएगा और सॉल्व करेगा तो फिर इससे बड़ी बेवकूफी कोई नहीं होगी। तो चलिए बच्चों इस लेक्चर को इतना ही रखेंगे, आप लोग एंजॉय करिए अपनी स्टडीज को और नेक्स्ट लेक्चर हम 15 मिनट में शुरू करते हैं जहां पे मैं कुछ छोटे ऑब्जेक्टिव्स आपके साथ आरआरबी जेई के लेवल के लूंगा। तो तैयार हो जाइए या पिछले लेक्चर्स को रिवीजन कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में आफ्टर 15 मिनट्स। थैंक यू क्लास।